जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो बस ये एक काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए, इस एक चीज़ को लेना शुरू कर दीजिए। ये आपके शरीर को निरोगी बनाने, शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें क्लियर करने और आपके शरीर को जोड़ों के दर्द से बचाने, इनडाइजेशन से बचाने, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाने, लीवर किडनी को मजबूती देने के लिए बेहद ही रामबाण है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ढेरों लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है निरोगी रहने के लिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी खास टेक्निक जिसका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता था और निरोगी जीवन जिया जाता था। आपने देखा होगा अभी भी हो सकता है जो पुराने समय के लोग हैं, आपके दादा, आपके नाना नानी, वो लोग अभी भी स्वस्थ होंगे और उनके कंपैरिजन में हम लोग यानी कि ये जनरेशन काफ़ी हद तक शारीरिक रूप पर कमज़ोर होती है। यानी कि हमें सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है, हमें थकान जल्दी लगती है, हमें नींद ना आने की दिक्कत है, हमारा शरीर कमज़ोर है, जोड़ों में दर्द है। पुराने समय के जो लोग हैं जो कि वृद्ध हो चुके हैं वो फिर भी मजबूत हैं और हमारे शरीर कमज़ोर हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक एक बात आपको बेहद लाभ देगी, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपने देखा होगा पुराने समय में जब भी पानी पीने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल होता था तो हर जगह पर, अगर आयुर्वेद की आप पुस्तकों को उठाकर पढ़ेंगे ना, तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ लोटे का जिक्र है। या फिर पुरानी चीज़ों को या पुराने लोगों को देखेंगे आप तो वो लोग हमेशा लोटे का ही इस्तेमाल करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के लिए हम गिलास का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं गिलास पुराने समय में था ही नहीं, ये यूरोप से आया है। यानी कि हमारी पद्धति में, हमारे आयुर्वेद में कहीं पर भी गिलास का कोई जिक्र नहीं है। जब भी पानी पीने के लिए बताया गया है तो लोटे का पानी पीना ही हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया है। गिलास का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसा कहा जाता है स्टडीज़ में जहाँ तक मैंने पढ़ा है। कि इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोटा जो है रेखीय नहीं होता है और जो चीज़ रेखीय नहीं होती है वो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद के अनुसार जिस भी पात्र के अंदर आप जिस चीज़ को रखते हैं उसके तत्व, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि कभी भी एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल ना किया जाए। रीज़न है कि एल्युमिनियम के जो तत्व होते हैं वो भी उस चीज़ में आ जाते हैं जो भी चीज़ आप उसमें स्टोर करते हैं, चाहे कोई सब्ज़ी हो, चाहे आप पका रहे हों, चाहे आपने स्टोर करके रखी हो, चाहे आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए ऐसे किसी बर्तन का, तो उसके जो तत्व होते हैं वो आपकी उस चीज़ में आ जाते हैं जो भी चीज़ आपने उसमें स्टोर की है। उसी तरीके से जब लोटे के अंदर आप पानी को स्टोर करते हैं तो लोटे के जो पोषक तत्व हैं, जो उसकी खासियत है, वो भी आपके पानी में आ जाती है। आप सभी को पता है कि हर गोल चीज़ का सरफेस टेंस जो है वो कम होता है और जो भी चीज़ों का सरफेस टेंस कम होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, हमें फ़ायदा देती हैं। वहीं पर जो चीज़ें हमारे शरीर के सरफेस टेंस को बढ़ाती हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। पानी क्यों पीते हैं हम लोग? पानी पीने का कारण होता है कि पानी से हमारे शरीर की सफाई होती है, पर जब आप गिलास से पानी पीते हैं तो ये कार्य आपका नहीं होता है। जब आप लोटे से पानी पीते हैं तभी आपका ये कार्य होता है। रीज़न है, लोटे का जो पानी होता है उसका सरफेस टेंस कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत अच्छे से सफाई कर पाती हैं, पानी के पूरे तत्व शरीर तक पहुँचते हैं। वहीं जब आप गिलास का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सरफेस टेंस जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बड़ी आंत और छोटी आंत को ठीक से साफ नहीं कर पाता, यानी कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। पानी पीने का जो उद्देश्य है, जो फायदा है, वो हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। ज़्यादा सरफेस टेंस वाला पानी पीने से हमारी आंतें सिकुड़ने लगती हैं और वो जो गंदगी उन्हें बाहर निकालनी चाहिए वो गंदगी प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी पीने के फ़ायदे हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है और आयुर्वेद में भी बताया गया है कि आप लोटे के पानी का इस्तेमाल करें, और ख़ासकर अगर पूरे दिन भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सुबह का जो पहला पानी आप पीते हैं वो लोटे का ज़रूर होना चाहिए। और अब महत्व बताया गया है तांबे के लोटे का। अगर आप तांबे के लोटे का पानी पीते हैं सुबह के समय में खाली पेट, तो आयुर्वेद कहता है कि आप जीवन भर निरोगी जीवन जीते हैं। ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगर शरीर में टॉक्सिन्स या गंदगी इकट्ठी नहीं होगी तो ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा, ना आपकी नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज होगा, ना आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, ना सर दर्द होगा, ना आपका पेट से रिलेटेड समस्याएं होंगी। रीजन है, तांबे का पानी आपके डाइजेशन को भी सुधारता है, तो इसलिए पेट से रिलेटेड
समस्याएं भी नहीं होंगी और आप एक निरोगी जीवन जी सकेंगे। तो ये तो मैंने आपको लोटे का महत्व बता दिया और साथ में तांबे के लोटे का पानी अगर आप पीते हैं तो उसका महत्व हो गया, पर वहीं पर अगर इस पानी में कुछ और चीजें आप ऐड कर लेते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर आपको वात की समस्या है तो ऐसे में आप इस पानी के अंदर मेथी दाना जरूर ऐड करें आधा चम्मच और सुबह के समय में तब इस पानी को लें, ये आपको बेहद लाभ देगा। दूसरा है, अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इस पानी में अजवाइन डालकर इस्तेमाल करें। ये पानी अगले दिन सुबह जब आप लेंगे लगातार, मतलब एक हफ्ते तक भी, तो इससे आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तीसरा फायदा है उन लोगों के लिए जिन्हें पित्त की समस्या है, शरीर में पित्त बढ़ा रहता है और उनका पित्त इतना बढ़ा हुआ है कि जब सुबह में उठते हैं तो मुंह में हाथ डालकर उनको उस पित्त को, उस गंदगी को बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद ही उनके शरीर में शांति आती है, नहीं तो सीने में जलन या खट्टा पानी ऊपर आता रहता है। ऐसे भी सौंफ और धनिया दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। सौंफ और धनिया आधा आधा चम्मच लेकर इस पानी में आप रात को डालकर रख दें और सुबह के समय में इस पानी को पिए छान करके, तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देगा, आपके पित्त को शांत करता है। अब बात करेंगे जिनको कफ की समस्या है वो लोग क्या करें, तो वो लोग या तो मेथी का पानी या मेथी अजवाइन का पानी एक साथ मिक्स करके ले सकते हैं। रात को भिगो कर रखें आधा चम्मच मेथी आधा चम्मच अजवाइन, इस पानी को सुबह छान कर खाली पेट पिए नीचे बैठ करके, तो इससे आपको बेहद लाभ मिलेंगे। यकीन मानिए ये पानी आपके शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स करेगा, जोड़ों के दर्द से आपको आराम दिलाएगा, खून बढ़ाएगा, शरीर में खून को साफ करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा और आपको एक स्वस्थ जीवन देगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।